टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े गोली मारकर एक हत्याकांड की खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप मृतक के खानदानी चाचा पर लगा है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि मृतक आरोपी की बेटी से बेपनाह प्यार करता है, जिसके चलते प्यार के दुश्मन बने आरोपी ने दिन दहाड़े हत्याकांड जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहनपुर में रहने वाले युवक आरिफ की हैं, जिसकी आज तड़के खेत पर गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि आरिफ अपनी ही खानदानी चाचा की बेटी से मोहब्बत करता था। मृतक के भाई की माने तो आरिफ गांव में रहने वाले खानदानी चाचा की बेटी से मोहब्बत करता था, जिसकी भनक प्रेमिका के आरोपी पिता को लग गई। बताया गया कि आरोपी मोहब्बत का दुश्मन बन बैठा और आज उसने मृतक आरिफ को उस वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जब मृतक खेत में गन्ने काट रहा था। मृतक के भाई के मुताबिक इस हत्याकांड से पहले आरोपी ने मृतक को अपनी बेटी से दूर रहने की नसीहत दी थी, मगर आरोपी को शक था कि मृतक आरिफ भी उसकी बेटी से मिलता है, जिसके चलते आज आरोपी ने आरिफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अब हत्या आरोपी की तलाश में जुटी है। भाई की हत्या चचेरा, हमारे पापा का चचेरा भाई है, उसने क्या वजह थी? क्या वजह? कोई लड़की का वो हम मना भी करिए, उसने समझा दिया, वो समझ गया, मानने फिर उसने अपना जाके और गोली मार दी उसने। तो कहाँ गया था ये आरिफ और किस तरह? ये एक बोल गया था सवेरे 6 बजे। अब ये पीछे से टेम्पो लेकर ऑटो CNG गया, इसने गोली मार दी। तो किस समय घटना हुई? समय तो 8 के लगभग, 7:30 या 8 के लगभग। तो ये जिससे हमें संबंध था, ये इसकी आरोपी की कौन लगती है? वो आरोपों की मतलब तो ये जमालों की कौन लगती है? वो लड़की है। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है? अभी तो एक को गिरफ्तार करने का कार्रवाई चल रही है। तो आप लोग वहीं थे जब घटना हुई थी? हाँ, मैं तो वहीं था। तो क्या ये बता रहे हैं कि इसने हत्यारे ने बात की थी उससे पहले? हाँ, पहले तो एक लड़का बुलाया जो काट रहा था गन्ने, वो बुलाया, फिर वो चला गया वापसी, फिर मेरे भाई बुलाने को तुआ, फिर इसमें पता नहीं क्या बात थी और उसने ऑटो में से निकल के कारतूस डाल कट्टे में गोली मार दी। वो भागा भागा फिर आ, तो वो भागा ऐसे ही 15-20 मीटर और वो खत्म होगा, फिर गिर तो। पुलिस भी मान रही है कि प्रेम प्रसंग के शक के चलते आरिफ की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शीघ्र ही देखिए आरिफ है 22 वर्षीय युवक था जिसकी आज सुबह गोली मार के हत्या कर दी गई जब वो एक दूसरे गांव में मजदूरी करने गया हुआ था। जानकारी करने पर मौके पर जाने के बाद जो तथ्य जानकारी में आया कि उसका अपने चाचा की लड़की के साथ कुछ इलिसिट रिलेशन का शक था चाचा को, और उसी शक के आधार पर उसने भतीजे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बुलंदशहर में शक के आधार पर या फिर प्रेम प्रसंग के चलते हत्याकांड जैसी किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया हो। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस आरिफ के हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।